उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री जय कुमार जय की कानपुर कांड में शहीद हुए सिपाही राहुल के औरैया स्थित गांव रूरू कला पहुंचकर परिवारों को सांत्वना देते हुए 1 करोड़ रुपए का प्रमाण पत्र सौंपा। मंत्री जय कुमार जैकी ने परिवारजनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुना और किसी भी परेशानी पर तत्काल समस्या का समाधान करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। सरकार ने 80 लाख रुपए शहीद राहुल की पत्नी और 10-10 लाख रुपए माता पिता के बैंक खाते में भेजे हैं। साथ ही गांव में शहीद पार्क के लिए जमीन चिन्हित करवा कर डेवलप कराया जाएगा। घर तक शहीद राहुल के नाम से पक्की सड़क बनेगी। पत्नी को पेंशन और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की राशि की उसी दिन घोषणा की अपने कि जितने हमारे शहीद परिवार हैं उनके पत्नी या घर में जो भी लोग हैं उन्हें दिया जाएगा। उसमें पत्नी को 80 लाख रुपया है और 10 लाख रुपया माता जी को, 10 लाख रुपये पिताजी को। उस परिवार की सहमति से एक व्यक्ति को सर्विस देनी है और वो परिवार की सहमति पर है। अभी परिवार की सहमति बहुत जल्दी होगा, अभी 10 दिन के बाद उनके परिवार जो सहमति व्यक्त करेंगे जिसके नाम की, उसको सर्विस दे दी जाएगी। इसके अलावा पेंशन है उनकी पत्नी को मिलेगा। बाकी जिले में गांव के लोगों ने या घर परिवार के लोगों ने मांग किया है कि यहाँ उनके नाम का कहीं कोई गेट बन जाए या कोई ऐसी चीज बने कि इस गांव में वो पैदा हुए तो वो यादगार बना रहे। उसके लिए जिलाधिकारी जी को निर्देशित किया गया है कि जगह दिखवा करके वो कहीं कोई जगह ढूंढवाने के बाद जब जगह मिल जाएगी इसके बाद उसे शहीद पार्क के रूप में या तो डेवलप किया जाएगा या गेट बनवा के किया जाएगा। उनके घर तक आने के लिए जहाँ है उनके नाम का मार्ग बनाएंगे। इसके अलावा ये परिवार की जो शहादत है सर, हम लोग सरकार में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार को कभी भी कोई जरूरत आवश्यकता होगी हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े, हर दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि इतने संकट के समय में उन्हें ईश्वर शक्ति दे कि उनको इस दुख से सहने का साहस प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।